हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हम कैसे अबेकस पे एडिशन कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड से हम एडिशन करने वाले हैं आज अबेकस पे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि अबेकस पर कैसे एडिशन करते हैं, तो मेरे वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्ड ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक नोटेशंस बता देता हूँ अबेकस की। ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये 5 है, ये 1s है हमारी यूनिट। ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये हमारी 1s की है। और ये 1s की लाइन में ये 1s, ये 10s, ये 100s और ये 1000s आगे बढ़ते जाते हैं। और देखिए, ये 1s की लाइन में ये होते हैं 1, मैं गलत साइड से कर रहा था, 1, 2, 3 एंड 4। आपको अपने अबेकस पे कुछ इस तरीके का पॉइंट जरूर मिलेगा और वो ही आपका मिडल पॉइंट होगा। इन्हें हम कहते हैं 1, 2, 3, 4 और इसे हम कहते हैं, ये 10th प्लेस पे आ जाते हैं, 10, 20, 30 एंड 40। अब इसे कहते हैं हम 100, 200, 300, 400। अब देखिए, ये जो ऊपर वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, ये 5 होता है, इसे हम एज अ 5 डिनोट करते हैं इसे हम, और इसे हम डोनेट करते हैं 50 के तौर पे, और ये होता है 500, ये 5000 आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्लस करके दिखाता हूँ अबेकस पर, फिर मैं आप सभी को सिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले 7+7 ही कर लेते हैं। ये देखिए, अब 7+7 करते हैं। अब 7 पहले बनाना होता है हमें अबेकस पे। ये 5 है, 5 को कर लीजिए नीचे, 5 नीचे हो गया। और 2 ले आइए यहाँ पर, ये 1, 5+1, 6 हो गया। 7+7 कर रहे हैं तो एक और बार ऊपर, 5+2, 7, 5, 6, 7। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है हमें, अब 7 हो गया। अब हमें पता है कि हमें आंसर 10 के बाद मिलेगा, 10th प्लेस में मिलेगा, मतलब 10th प्लेस में मिलेगा। तो हम 10th वाले एक उसको भी ऊपर कर लेते हैं, जो रूल में होता है हमारी कि अगर हम हमारा आंसर 10th में आ रहा है तो हमें इसको ऊपर करना ही करना है। अब देखिए, ये 2 डिजिट का आंसर आ रहा है तो इसको ऊपर कर दीजिए। अब देखिए क्या बन रहा है। अब रूल के हिसाब से 7 के साथ हम 3 को ज्वाइन करते हैं। 7 का पार्टनर आप कह सकते हैं 3 होता है, और 7 के साथ हम ज्वाइन करते हैं 3 को, क्योंकि 3 पार्टनर होता है 7 का। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सारे बताऊंगा मैं आपको। और देखिए, 7 के साथ 3 होता है, तो 3 को हम कैसे हटाएंगे। और देखिए, यहाँ पर 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये दोनों में भी 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 वाला जो कॉलम है ना, इसमें से हम 3 घटा देंगे। 3 घटाते ये ऊपर आ जाएगा, 3 घटाने के बाद बचेगा 2, और ये जो 2 है हमारे पास कॉलम, इनको कर देंगे ऊपर। अब आंसर आपका आ चुका है 7+7, 10, 11, 12, 13, 14। बहुत इजी मेथड था, दोबारा बता देता हूँ क्या किया था मैंने। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो है ना आपका 5-3 कर दीजिए, ऊपर कर दिया माइनस करते ही, और ये जो 2 बचे इनको मैंने ऊपर कर दिया, 10, 11, 12, 13, 14। अब अगले सेगमेंट को देखते हैं कि अगला हम कौन सा प्लस सीखने वाले हैं। दोस्तों, अब हम करते हैं 8+7। 8+7 भी बिल्कुल वैसे तरीके से ही करेंगे। सबसे पहले तो नंबर बना लीजिए पहले। देखिए, 5 नीचे लाए, 5, 6, 7 एंड 8। अब आप देख रहे हैं 8 आ गया। अब क्या करना है हमें, 8 आते ही आपको सबसे पहले करना ये है कि यहाँ से 10 ले लीजिए। जब आपको पता चल गया कि डबल डिजिट में आंसर आने वाला है, 10 स्पॉट ले लीजिए अपना। अब क्या करना है, अब देखिए, अब 7 आया, फिर 3 घटाने हैं हमें। अगर आप 3 घटाएंगे, अब हमारे पास 3 है यहाँ पर, तो हम इन्हीं 3 को घटा देंगे और आंसर आपके सामने है 10+5, 15। 8+7 भी 15 होता है। ये बेसिक कैलकुलेशन है अबेकस की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब करते हैं हम 6+6। अब 6 के साथ, अब 6 आ गया, अब 7 नहीं है, ये हम 3 की वो रूल लगाएंगे। अब 6 का पार्टनर होता है 4,
अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो 6 बना लीजिए, 5 + 1 = 6। अब देखिए 6 आ गया, अब क्या करना है, देखिए 6 आते ही सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ से 10 स्पॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है डबल डिजिट में आंसर आने वाला है। 10 स्पॉट ले लिया आपने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब 6 का पार्टनर मैंने आपको बताया 4 होता है, यहाँ पर अब 4 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो 5 में से अब हम 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाया, 5 भी ऊपर चला गया और यहाँ पर 1 बचा, 5 - 4 = 1, इसको हम ऊपर कर देंगे जो 1 बचा वहां पर। अब देखिए आपका आंसर आपके सामने 10, 11 और 12, तो बहुत इजी है। अब अगले एडिशन की तरफ अब हम चलते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला एडिशन हम करेंगे 8 + 8। अब 8 के साथ हमेशा 2 होता है, जो 8 का पार्टनर है 2, 8 का पार्टनर 2 होता है, तो अब 2 को घटाएंगे, पहले 8 बना लेते हैं, 5, 6, 7 और 8। अब ये 8 बन गया, अब आपको क्या करना है, 8 बन गया, अब आपको पता है 10 में आंसर आना है, तो 10 को ऊपर कर लीजिए। अब आपका 8 का पार्टनर होता है 2, 2 को 2 हमारे पास है यहाँ पर, यहाँ 3 है, 3 में से हम 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा दिया, 10 + 1 = 11, 11 + 5 = 16, जो 8 + 8 होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों हम करते हैं 9 + 9, पहले 9 बना लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बना लिया। अब उस साइड से हमें पता है 10 में आंसर आने, 1 10 ले लीजिए। अब देख रहे हैं आप कि 1 10 ले लिया है हम लोगों ने। अब देखिए अब क्या करना है हमें, 9 + 9 है, 9 का पार्टनर अब 1 होता है, ये सारे 10 तक मिलकर बनाते हैं, जैसे 8 + 2 = 6 + 4 = 5 + 5 होता है, वैसे ही 9 का पार्टनर होता है 1। और देखिए 1 घटा देंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 है, आंसर आप सभी के सामने है, 10 + 5 = 15 = 16 = 17 = 18। बहुत इजी मेथड था ये। अब अगली कैलकुलेशन पर चलते हैं। अब दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़े छोटे नंबर्स पर। अब छोटे नंबर्स पर सबसे पहले 4 + 4 ही कर लेते हैं। अब देखिए 4 + 4 में अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 10s तो अब हमने लेना नहीं, तो क्या करेंगे। अब 4 के साथ भी हमें एक नंबर मिलता है, अब देखिए 4, अब 4 को ऊपर करते हैं एक बार, 4 को ऊपर किया। अब देखिए 4 का रूल होता है, 4 के साथ हमें नंबर मिलता है 1, क्योंकि 4 तक हमें 5 को बॉस मानना होता है, तो 4 के साथ हमें नंबर मिलता है 1, क्योंकि 4 और 1 ऐड होके 5 के इक्वल आ जाते हैं। 4 के साथ नंबर मिलता है 1, पार्टनर कह सकते हैं आप, घटा दीजिए 1 और 5 को ले आइए नीचे। अब आप देखिए आंसर आप सभी के सामने 5, 6, 7, 8। अब बढ़ते हैं अगली कैलकुलेशन की तरफ। दोस्तों अब करते हैं 3 + 3, बहुत इजी है, वैसे तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अबेकस पर अगर आप करेंगे तो आपको समझ आएगी कंसेप्ट। अब देखिए 3 को ऊपर करते हैं, अब 3 का पार्टनर होता है 2, क्योंकि 3 + 2 = 5 होता है। अब देखिए 3 का पार्टनर 2 है, इसको नीचे कीजिए और 5 को ले आइए नीचे। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, 3 का पार्टनर 2 होता है, तो 2 घटा दिए और 5 को ले आया मैं नीचे, 5 + 1 = 6, आंसर आप सभी के सामने। अब अगले उस पे चलते हैं, 2 + 2 करेंगे, बहुत इजी है। दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा आप 2 + 2 खुद ही करें, मैं अगर आपको 2 + 2 में वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पे एक अलग वीडियो डालूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे कि हम कैसे अबेकस से मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं और एडिशन को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 100 + 29 ऐसे ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।